सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से एक प्रॉब्लम आ रही है जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्यों ऐसा दिक्कत आ रहा है। हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप पे कुछ लोग का अकाउंट बैन हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से अकाउंट बैन हो रहा है, लेकिन मैंने इसका पता लगा लिया है क्यों अकाउंट बैन हो रहा है, क्या आप करते हो जिसकी वजह से अकाउंट आपका बैन हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि व्हाट्सएप में अगर आप ये करोगे तो आपका भी अकाउंट व्हाट्सएप बैन कर सकता है। और एक बार अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो दोबारा वो अकाउंट जो है कि ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने एक रिलेटेड का ट्राई किया, उनका भी अकाउंट बैन हो चुका है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेल्स किए, ट्राई किए, लेकिन उनका अकाउंट एक बार खुला भी था लेकिन फिर एक दिन बाद फिर से बैन हो गया। तो अगर एक बार इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से अगर आपका अकाउंट बैन हो गया तो ओपन नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों आपका अकाउंट जो है कि बैन हो सकता है। सो व्हाट्सएप ने अपनी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी है और ये हो रहा है कि व्हाट्सएप पे आप गौर किए होंगे तो पहले एक मैसेज वायरल होता था कि इस कंपनी के इतने दिन पूरे रह गए तो इसने इतना रिचार्ज फ्री में दे दिया, या फिर इन्होंने अपने बर्थडे के इसमें इतना का रिचार्ज फ्री में दिया, लिंक पे क्लिक करो, जाओ ये करो, 10 लोग को शेयर करो, आपको रिचार्ज मिल जाएगा। तो ये जो है कि एक फ्रॉड स्कैम चल रहा था। और ये स्कैम क्यों था मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता देता हूँ। ये मैसेज वो लोग वायरल करते हैं जिनके वेबसाइट्स होते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स पे रीच मिलने से उनकी अर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे फेक पेज बनाते हैं अपने वेबसाइट पे और उसके लिंक को शेयर करते हैं ताकि लोग इसको शेयर करें रिचार्ज के लालच में और उनके वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा रीच आए। और ये होता भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मैं देखा हूँ कि उनको मतलब ये सब पता नहीं होता है कि ये सब फ्रॉड है या क्या है। मेरे खुद जान पहचान के एक आध लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड किया, इधर उधर किया, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिक्कत ये होता है कि उनको जो जिस रीज़न से उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये सब किया रहता है और वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर आते हैं इस ऐसे लिंक्स पे और काफ़ी ज़्यादा रीच पहुंचती है जिससे मिलियन में व्यूज़ आते हैं उन लोग के वेबसाइट पे और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये इस हिसाब से एक फ्रॉड करते हैं, फेक लिंक्स बनाकर ताकि आप उस पर क्लिक करो, उनके वेबसाइट पर जाओ और कई सारे उनके पेजेस ओपन करो ताकि उनके वेबसाइट पर जो है कि रीच बढ़े, उनके वेबसाइट पर व्यूज़ आए और उनको अर्निंग हो सके। लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर किसी कंपनी की तरफ से कभी नहीं आता है, ना ही किसी आदमी की तरफ से आता है। सो ऐसे ये सब फ्रॉड होता है और आपको कुछ नहीं इसमें से फ़ायदा होगा, जो भी फ़ायदा होगा वेबसाइट्स वालों को होता है। लेकिन व्हाट्सएप क्या कर रहा है कि ऐसे स्कैमर्स को बैन कर रहा है। तो अगर आप लोग शेयर करोगे तो व्हाट्सएप को ऐसा लगता है कि आपने खुद शेयर किया है तो आपका अकाउंट जो है कि बैन हो सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने 30-40 लोगों को शेयर किया था तो उसका अकाउंट परमानेंटली बैन हो गया, अब वो ओपन नहीं हो रहा है। सो आप लोग ऐसी की गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें और आपका अकाउंट जो है कि सेफ रह सके। सो अगर ऐसा कोई लिंक आता है तो आप उस मैसेज को डिलीट कर दीजिए या फिर रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन आप कभी भी अपने व्हाट्सएप से शेयर मत करना वरना आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट जो है कि बैन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरव्यू में। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको दिख जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।